दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। ऋतिक रोशन की क्रिश फ्रेंचाइजी की स्क्रिप्ट पर इन दिनों उनके पापा राकेश रोशन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दफा फिल्म में ऋतिक के अपोजिट एक नहीं बल्कि दो एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म में राकेश रोशन इस दफा प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को साइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि क्रिश फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म में बाहुबली का तगड़ा कनेक्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राकेश रोशन प्रभास की बाहुबली से इस कदर प्रेरित है कि अब वह अपनी क्रिश फ्रेंचाइजी में भी बाहुबली का हिट फॉर्मूला अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल राकेश रोशन क्रिश का चौथा और पांचवां पार्ट एक साथ शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें कि SS राजामौली ने भी बाहुबली को दो पार्ट में बनाया था और इसके दूसरे पार्ट का काफी हिस्सा पहले पार्ट के साथ ही फिल्मा लिया गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और दूसरे पार्ट को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह बना रहा था। यहां तक कि दूसरे पार्ट के आने तक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इंटरनेट पर वायरल होता रहा। अब राकेश रोशन भी क्रिश में यही हिट फॉर्मूला अपनाने के मूड में हैं। राकेश रोशन ने क्रिसमस 2020 पर क्रिश को रिलीज करने की पहले ही घोषणा भी की हुई है। इसके अलावा फिल्म में दो बड़ी अभिनेत्रियों को भी कास्ट किया जाना है। फिलहाल इन दोनों अभिनेत्रियों को लेकर प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ का ही नाम सामने आ रहा है। प्रियंका पहले भी क्रिश फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुकी हैं और ऐसे में उनके किरदार का आगे बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि कटरीना की एंट्री की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले दिनों भी कटरीना कैफ के फिल्म का हिस्सा होने को लेकर खबर सामने आई थी और तब कटरीना कैफ ने DNA से बातचीत में कहा था, नहीं मुझे अभी तक क्रिश 4 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है और न ही मेरी मेकर्स से इस फिल्म को लेकर कोई चर्चा हुई है। हालांकि मैं उन लोगों को जानती हूँ जो लोग क्रिश 4 की स्क्रिप्ट को डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल क्रिश सीरीज की अपकमिंग फिल्मों में ऋतिक के अलावा और कौन कौन नजर आएगा इसको लेकर अपडेट आने बाकी हैं। ऋतिक रोशन इन दिनों विकास बहल की फिल्म सुपर 30 की शूट कर निपटा रहे हैं और इसके बाद वह क्रिश फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे दोबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।